मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में किसानों की अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज खिलचीपुर तहसील चौराहे पर बीजेपी द्वारा धरना आंदोलन किया गया। इसका नेतृत्व सांसद रोडमल नागर ने किया। धरने को संबोधित करते हुए सांसद रोडमल नागर और पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की बर्बाद हुई फसल का प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की, वहीं किसानों की फसलों की क्षति का आकलन करवाकर बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवाने की भी मांग की और चेतावनी दी कि सरकार ने किसानों के हित में कदम नहीं उठाए तो बीजेपी सरकार के खिलाफ आगे भी आंदोलन करेगी। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार के मंत्री आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री आज तक प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं। ऊर्जा मंत्री के होते हुए भी क्षेत्र में लाइट कटौती हो रही है। 2 घंटे तक चले धरने और भाषण के बाद सभी लोग नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और सांसद ने राज्यपाल के नाम 21 बिंदुओं का मांग पत्र का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर पूर्व विधायक हजरीलाल दांगी, पुरसिंह पवार सहित कार्यकर्ता किसान मौजूद थे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। दो लाख के लालच में गलत फहमी में आ गए। विद्यार्थियों को, बहनों को, बेटियों को, एक एक वर्ग को जो लोक लुभाऊ ने नारे लगाए थे, जो वचन दिए थे, एक का पालन नहीं हो रहा, एक का पालन नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से मुसीबत इस प्रदेश पर आई है, किसान पर आई है, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के सहित राजगढ़ क्षेत्र के भी सारे के सारे लोग हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।